गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज है डे थर्ड मेरे हेयर केयर चैलेंज का। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बीटरूट जूस को यूज़ करने वाली हूँ। बीटरूट जूस भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको पीने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर इसको बालों में कैसे लगाएँ, तो अगर आप जानना चाहते हो इसको बालों में कैसे लगाना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बीटरूट में होता है आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे कि ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस पैक से मिलेगा आपके बालों को एक नेचुरल कलर। तो ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, वाइट हेयर का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व कर देगा। इसको आप वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। कम से कम 1 से 2 महीने तक आप इसको यूज़ कीजिए। इसको बनाने के लिए आप बीटरूट ले लीजिए। ये जो बीटरूट हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास एक बड़ा बीटरूट है तो आप सिर्फ 1 ही यूज़ कीजिए, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो फिर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं और पीस कर इसका रस निकाल लीजिए। इसके बाद हम लेंगे चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती के पानी के लिए तो पानी में आप थोड़ी सी चाय पत्ती मिला लीजिए और उसको 1-2 उबाल आने तक उबालते रहिए। पानी को ठंडा करके फिर अलग से निकाल लीजिए। तो ये जो चाय पत्ती का पानी है और बीटरूट जूस है, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और ये हो गया मास्क तैयार। अब ये लिक्विड है तो इसको स्प्रे बॉटल में भर दूँगी, जिससे लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने इसको स्प्रे बॉटल में भर लिया है, तो डायरेक्ट स्कैल्प पे और पूरे बालों की लेंथ पे मैं इसको स्प्रे करके अप्लाई कर लूँगी। और आप चाहें तो जैसे ऑयल डालते हैं वैसे ही आप अपने बालों में डाल लीजिए और स्कैल्प पे अच्छे से 2 से 5 मिनट तक मसाज कीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 20 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक इसको ड्राई होने के लिए रखना है। 20-25 मिनट के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के लिए आप टॉवल पानी का ही यूज़ कीजिए, हो सके तो उस दिन आप शैम्पू ना करें, दूसरे दिन ही शैम्पू यूज़ करें। तो अब आपको महंगे महंगे हेयर कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि केमिकल से भरे हुए होते हैं। आप इसको 1 महीने तक ट्राई कीजिए, आपके बालों को एक नेचुरल कलर मिल जाएगा, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ आपके बालों में चमक नहीं है या फिर बहुत हेयर फॉल होता है और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करना और रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।